और स्पेशली जहाँ से मैं आता हूँ बिहार से, बहुत बेरोजगारी है सर वहाँ पर। सर के बाल उड़ जाते हैं लेकिन वो सरकारी नौकरी का पीछा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर जो ये महिलाएं हैं वह भी अपना काम करना चाहती है लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है। ब्रांडेड स्टोर के मालिक बन सकते हैं, हमारे 3-4 मॉडल है, किस तरीके से आप हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर से जुड़ सकते हैं। शादी के लिए जब लड़का ढूंढा जाता है ना, तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है सरकारी नौकरी वाला है कि नहीं। हमारा 2 फ्रेंचाइजी फाइनल हो चुकी है, गया और पूर्णिया के। पूर्णिया तो हमारे बगल का शहर का ही है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है वो। इंडिपेंडेंट आप बन जाएं, हमारे देश की महिलाएं बन जाएं कि उनको इन छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज का जो यह वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, इस चैनल पर पहली बार इस तरह का कुछ वीडियो डल रहा है। सूरत में पिछले हम 2 दिनों से हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा जो है इंडस्ट्री है, बहुत टेक्सटाइल का हब है यहाँ पर, लेकिन इन सभी के बीच में मैं देख रहा हूँ अजमेरा फैशन जो है सबसे ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। आखिर क्यों है, क्या है, कैसा है, तो इसके बारे में सबसे अच्छा मुझे लगता है कि खुद अजमेरा जी से यहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जहाँ तक मुझे पता लगा आप बिहार से हैं। हाँ जी, हम बिहार से हैं। हाँ जी, लेकिन आवाज आपकी बिहार वाली नहीं लग रही है। क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 8 साल से रह रहा हूँ, तो कुछ वहाँ का टोन आ गया है, और बिहार और दिल्ली का कुछ मिक्स है मेरे। दिल्ली वाला टोन आपका ज्यादा लग रहा है। एक्चुअली वायरल तो सब व्यूअर्स का प्रेम है सर, इस वजह से वायरल है। आज हमारे 3.5-4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के। अच्छा, हाँ। जो हमारे वीडियोस को देखते हैं आपके चैनल पर, तो सब्सक्राइबर हैं ही, और मैं देख रहा हूँ कई सारे जो क्रिएटर हैं, हाँ। वो खुद से आपकी वीडियो डाल रहे हैं और अलग अलग जगह। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आप कितने वायरल हैं, क्योंकि मैं फेसबुक देखता हूँ, हाँ। अगर मैं कुछ भी सर्च मारता हूँ, हाँ। यहाँ पर सूरत में कौन सा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपका दिखता है अजमेरा फैशन। मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ, रील खूब वायरल है आपके, और यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ। सब व्यूअर्स का प्रेम है और कुछ नहीं है। और थोड़ा हम ये कोशिश करते हैं, सूरत के अंदर एक्चुअली सिस्टम क्या है सर, हाँ। यहाँ पे बल्क डीलिंग होती है। बिल्कुल, हाँ। यहाँ पे सिर्फ डीलर और होलसेलर को माल दिया जाता है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी जो बिजनेस करना चाहता है और छोटी सी अमाउंट से करना चाहता है, 25,000-50,000 रुपए से, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। वाह जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको हम जो कपड़ा देंगे वो उसी रेट में देंगे जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। वाह जी, बहुत ये सूरत में कोई नहीं करता है। तो ये करने की वजह से व्यूअर्स इतने ज्यादा है कि व्यूअर्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं यहाँ से जुड़ के हम भी कुछ कर सकते हैं। और काफी लोगों ने किया है, मैं तो हमारी मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़कर। अच्छा, 10,000 से ज्यादा महिलाएं आपसे जुड़ी और वो इम्पावर हुई है यहाँ पर। बिल्कुल, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है सर। अच्छा, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को और शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। वाह जी, तो यह जो है बहुत ही अच्छा लगा जान करके। और स्पेशली जहाँ से मैं आता हूँ बिहार से, बहुत बेरोजगारी है सर वहाँ पर। वहाँ पर जो ये महिलाएं हैं वह भी अपना काम करना चाहती है लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है कि हम क्या करें। उनको बताया भी कि आप बिजनेस करो लेकिन कैसे बिजनेस शुरू करें उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उस क्षेत्र में अगर आप कुछ कर सकते तो काफी अच्छा रहता है सर। बिहार के लिए तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम तो सभी जगह के लिए करना चाहते हैं। देखिए, लेकिन बिहार में एक मेरे को ज्यादा थोड़ा टच इसके लिए है, बिहार के लोगों में क्या है, सरकारी नौकरी। बिल्कुल, सरकारी नौकरी मिल जाए। शादी के लिए जब लड़का ढूंढा जाता है ना, हाँ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है सरकारी नौकरी वाला है कि है कि नहीं है। और दूसरी चीज, उस नौकरी को ढूंढने के लिए करते कर सर के बाल उड़ जाते हैं लेकिन वो सरकारी नौकरी का पीछा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि आप नौकरी ढूंढते रहो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी छोड़ दो, लेकिन उस नौकरी के साथ साथ आप कुछ ऐसा कर सकते हो और बहुत छोटी सी अमाउंट में कर सकते हो जिससे कि आप एक बिजनेस के मालिक बन सकते हो। अच्छा जी। तो ये चीज हम करना चाहते हैं और हमने करी भी है, बहुत कोशिश करी है, बिहार के युवाओं के लिए खास कर करी है। मैं तो उनसे भी कहता हूँ जो नौकरी कर रहे हैं, चलो ठीक है आप सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में फिर भी एक ये सुकून होता है कि फिक्स हो गई भाई। बिल्कुल, लोग इसीलिए भागते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वाले क्या, उनको तो कभी भी जवाब मिल सकता है। पिछले कोरोना में आपने देखा कितने लोगों की नौकरियां चली। सही बात है। ठीक है, मैं उनसे खास कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी नौकरी करते रहो लेकिन आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है या आपके रिटायर्ड फादर है, कोई भी है, आप उनको छोटे रूप में इस बिजनेस को करवा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने में करवा सकते हो,
जितने का मोबाइल आपने हाथ में ले रखा है वो हर 3 महीने 4 महीने या 6 महीने पे आप बदल देते हो। वाह जी, उतनी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। मतलब कम पैसे में आप अपना जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े में तो सब करते हैं लेकिन छोटों में, छोटे रूप में, और वो भी घर से। मैं आपको कोई खर्चे बांधने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप 1-2 लाख 5 लाख के खर्चे बांध लीजिए। अच्छा। आप छोटे रूप के अंदर उस बिजनेस को घर से, आपको नौकरी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मदर को या आपकी दीदी को जिसको भी आपको करवाना है उनको करवा दीजिए इस बिजनेस को घर से। और धीरे 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 जब वो बिजनेस रनिंग हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया 10,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ घर से बिजनेस करने वाली जुड़ी, और उसमें से कितनी तो अब शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। आपको भी जब 6 महीने बाद ऐसा लगे कि यार ये प्राइवेट नौकरी जिसका अभी कोई भरोसा नहीं है मेरा, कभी भी जा सकती है, मैं अगर वही टाइम इस बिजनेस के अंदर देता हूँ जो कि मेरी मम्मी या मेरी दीदी घर से कर रही है और इसको बड़े रूप में करता हूँ, तो मेरा तो यारा न्यारा हो सकता है। अच्छा जी, एक जो डाउट आता है सभी के मन में, मैं देखता हूँ कि बिजनेस जब स्टार्ट करे, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, वो अपना सामान लेकर के चले जाए, लेकिन किस तरह से करें, अपना बिजनेस को फैलाएं कैसे, क्या इस रूप में कोई सहयोग मिलेगा आपकी तरफ से उन्हें? बिल्कुल 100% मिलेगा। अगर वो ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो ऑनलाइन बेच सकते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है महिलाओं ने अपने ग्रुप बना रखे हैं। हाँ जी, कितने ग्रुप, बिल्कुल, खासकर महिलाएं। आज महिलाएं जो है आत्मनिर्भर होना चाहती हैं बिल्कुल। उनके मन में भी इच्छा है। क्या इतनी महंगाई हो गई है कि अब सिर्फ पति के कमाने से घर का खर्च नहीं चलता, कमाने से नहीं चलता है, ये भी बात मैं कवर करूंगा। लेकिन एक महिला के लिए खासकर मजबूरी में बताना चाहता हूँ, छोटी सी चूड़ी खरीदनी है, लिपस्टिक खरीदनी है, बिंदिया खरीदनी है, अपने हस्बैंड के आगे उसको हाथ फैलाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कम से कम एक महिला अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना ले जिससे कि वो कम से कम अपनी जरूरत को, छोटी मोटी जरूरत के लिए तो किसी को शाम को हिसाब ना देना पड़े। आप मान लीजिए दे भी देते हैं इनको कि ठीक है ये ले 500 रुपए या 1,000 रुपए जा लिया चीज कुछ, पर शाम को आके हिसाब जरूर पूछते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, पूछते हैं कि नहीं, एक एक चीज का हिसाब लेते हैं, एक एक चीज का हिसाब लेते हैं। तो इतनी इंडिपेंडेंट आप बन जाएं, हमारे देश की महिलाएं बन जाएं कि उनको इन छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो उनका पति हो, चाहे उनका भाई हो या उनके फादर हो। उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, और अगर हमारे देश की महिलाएं अगर इंडिपेंडेंट बन गई तो हमारा देश की ग्रोथ 100% है। काफी अच्छा लगा जी इनका विचार जान करके। देश की महिलाएं जो कि लगभग 49% उनका ही भागीदारी है हमारे समाज में, और उनको उनके साथ हमारे समाज में भागीदारी है, लेकिन बिजनेस में, ग्रोथ में, जीडीपी में अगर उनकी भागीदारी देखी जाए तो 2% 1% भी नहीं है सर। तो अजय जी जो है उनका सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा। अच्छा एक चीज मैं देख रहा हूँ, अजमेरा फैशन से बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं और बहुत लोग आते भी हैं यहाँ पर, और यहाँ देख रहा हूँ कि फ्रॉडिज्म भी थोड़ा बहुत चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं यहाँ आ रहा था तो गेट पर एक बोला क्या कोई था रिक्शा वाला या कोई था, पता है मुझे नहीं मालूम कौन था वो। अभी सुबह का ही समय है, खुला नहीं होगा, आप चलो सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलो। लेकिन मेरा इतना अनुभव हो गया है सूरत में कि मुझे पता चल जाता है कि यहाँ क्या कैसा है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए यहाँ पर? देखिए उनका भी वो बिजनेस है। हाँ, वो कस्टमर को पकड़ के लेके जाते हैं, बिठा देते हैं, उनकी दलाली एक नक्की। अच्छा, हाँ, हाँ। तो ये एक बिजनेस उनका है। आप किसी भी अननोन आदमी के चक्कर में या एक रिक्शा चलाने वाला है तो वो रिक्शा ही चलाएगा ना, बिल्कुल, वो दलाली नहीं कर सकता है। बिल्कुल, वो आपको बोले कि मैं आपको ले जाके कहीं मैन्युफैक्चरर से दिलवाता हूँ, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपने जिसका भी वीडियो देखा है या जिससे भी आप इन्फ्लुएंस हुए हैं उसके यहाँ जाइए, वहाँ देखिए, समझिए, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप काम कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप घूम लीजिए 2 जगह 5 जगह 10 जगह, लेकिन डायरेक्ट आइए, जहां भी जाना है किसी के फेरे में नहीं आइए। आप जाते हैं किसी बड़े तीर्थ स्थान पे, बड़े मंदिर में, तो वहां पे पंडित जी लोग पूजा करवाते हैं, तो सब पंडित जी आपको बुलाते हैं, आइए हम, मैं पूजा करवाता हूँ, आइए मैं पूजा करवाता हूँ। देखिए ये भी मंदिर है, कपड़ों का मंदिर है, बिजनेस का मंदिर है, यहाँ भी रहते हैं कई लोग जो बिजनेस जुड़े हुए हैं। किसी का अच्छे ढंग से एक एथिक्स के साथ किसी को बिजनेस करना है, और कई है जो अनएथिक तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो अनएथिक तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के साथ बिल्कुल मत जुड़िए। नीति नियम और सिद्धांत के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ जुड़िए, और उनके साथ जुड़कर आप अगर बिजनेस करेंगे और आप खुद भी नीति नियम और सिद्धांत के साथ करेंगे तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक। बिल्कुल जी। अच्छा अजय जी, उनके बारे में तो बात कर लिए, जो लोग जो है सक्षम नहीं होते ज्यादा
कैपिटल लगा करके बिजनेस करने में। लेकिन मैंने अपने बिहार में देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम है, वो करोड़ों रुपया, 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डरते हैं बिजनेस करने से, क्योंकि होता क्या है कि नाम उन्हें एस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगता है और उनको पता नहीं होता है कैसे मार्केटिंग करना है, क्या करना है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा मॉडल उपलब्ध है जिससे उन लोगों की मदद हो सके, उन लोगों तक आप रीच आउट कर सके? देखिए, नाम एस्टेब्लिश करने में तो समय लगता है। आज मेरा को भी सर, मैं 2011 से अपना काम कर रहा हूँ, तब जाके आज ये नाम मिला है। तो अब ये नाम जब हमारा बन गया है तो हमने अभी लोगों को फ्रेंचाइजी देना भी, हमारे नाम से भी आप दुकान कर सकते हैं। और ये आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है, काफी लोग हैं जो पैसा है बिल्कुल, लेकिन डरते हैं कि मैं लगाऊंगा क्या होगा, वो जो संघर्ष का जो फेज होता है ना, वो अपना नाम बनाने का, उससे डरते हैं लोग, वो नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, जीवन है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल में जब सुबह शेर उठता है ना, तो वो भी ये सोचता है कि मेरे को आज हिरण से तेज दौड़ना है, नहीं तो भूखे मर। बिल्कुल जी, कौन से फील्ड में संघर्ष नहीं है, जैसे हमारा और सुन लीजिए, और हिरण जब उठता है तो वो ये सोचता है कि मुझे शेर से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कहीं भी संघर्ष से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। लेकिन संघर्ष कहां तक कम हो सकता है, इसके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल है। ये फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आप एक ब्रांडेड स्टोर के मालिक बन सकते हैं। हमारे 3-4 मॉडल है जिसपे हम एक नंबर दे देंगे आपको फ्रेंचाइजी का, ठीक है, उस पे बात करके आप किस तरीके से आप हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर से जुड़ सकते हैं, हमारा फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, पूरी जानकारी उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो अजमेरा जी जो है, लगभग हर सेक्शन ऑफ, कहते हैं समाज का लगभग हर तबका, सभी को यह टच करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी तक आप पहुंच भी रहे हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो इनिशिएटिव है, कोशिश कर, बहुत ही पावन इनिशिएटिव है, भगवान से दुआ करेंगे आपको सफलता मिले। फ्रेंचाइजी की बात निकली है तो आप बिहार से हैं, बिल्कुल, इतना और बता दूं कि अभी हमारा 2 फ्रेंचाइजी फाइनल हो चुकी है बिहार के लिए स्पेशली। ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट आ रहे हैं गया और पूर्णिया के, पूर्णिया तो हमारे बगल का शहर का ही है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है वो। अगर आपको सिंगल पीस लेना हो, सिंगल पीस कहीं भी लेना हो, तो आप गया पूर्णिया में अगर हैं तो आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। होलसेल बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, तो यहां अजमेरा फैशन आपके लिए अवेलेबल है। दिल्ली में अभी 3 दिन पहले हमने ओपनिंग करी है, चांदनी चौक में, वो भी रिटेल आउटलेट है, सिंगल पीस वहां भी मिलता है। होलसेल के लिए आपको लेना है, व्यापार अगर आपको करना है तो सिर्फ एक ही जगह है, अजमेरा फैशन सूरत, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में रिटेल के लिए आपको सिंगल पीस खरीदने हैं तो बहुत सारी जगह हैं, हमारे भी फ्रेंचाइजी आउटलेट भी हैं, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं जी आज का वीडियो जो है आपको काफी अच्छा लगा, और थैंक यू जी अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए, अपनी व्यस्तता के बीच में थोड़ा सा समय हमें दिया, तो थैंक यू जी उसके लिए। थैंक यू आपका भी बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी दूर से आए हैं, बिहार से चला के यहाँ पे, और हमें मौका दिया। हमारे सब्सक्राइबर का डिमांड था, उसके डिमांड पर आए और आपने समय दिया, काफी अच्छा लगा। तो मिलते हैं जी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।